नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत प्रश्न पत्र को, जो कि डीएलएड 2018 बैच के प्रथम सेमेस्टर में दिनांक 30 जनवरी 2019 को पूछा गया था, हल करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को आप लोग विशेष रूप से ध्यान से देखें, क्योंकि संस्कृत प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा डीएलएड में बैक लगते हैं। तो यदि आप भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया था, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 3 चींटी सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न था, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 19। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, आसमान शब्द में विभक्त और वचन है। आसमान जो है वह अस्मद सर्वनाम के विभिन्न रूप में से एक है, जिसको आप समझ लीजिए, अहम आवाम वयम माम आवाम और आसमान, यानी कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन सही उत्तर होगा। आप तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 देखिए, द्वितीय विभक्ति बहुवचन तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। ऑप्शन नंबर 2 अपिबतम सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। दोस्तों, उत्तम पुरुष उसे बोलते हैं जो कि वक्ता होता है, यानी जो बोल रहा है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैं। बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में कुल 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष या फिर स्त्री जाति का बोध नहीं होता है तो उसे नपुंसक लिंग बोलते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। आठवां प्रश्न पूछा गया था, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा। स्क्रीन पर आप गम धातु का लंग लकार देख पा रहे होंगे। इसमें आपसे प्रश्न में पूछा गया था, प्रथम पुरुष बहुवचन में गम धातु का रूप क्या होगा। तो आप देख लीजिए, पहले लाइन में तीसरा ऑप्शन अगच्छन इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि जहां पर हलंत लगा है या फिर जहां पर विसर्ग लगा है, आप लोग ध्यान से लिखें, क्योंकि इसके भी मार्क्स डीएलएड में काटे जाते हैं। नवा प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कुल 3 प्रकार के वचन होते हैं। पहला एक वचन, जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या फिर स्थान आदि का बोध होता है उसे एक वचन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे मयूर मीन्स होता है मोर, और मयूरा यानी एक मोर की बात की जा रही है, तो ये एक वचन हो गया। दूसरा वचन होता है द्विवचन, जिन शब्दों से 2 वस्तुओं स्थानों या फिर व्यक्तियों का बोध होता है उसे द्विवचन बोलते हैं। और इसके उदाहरण में आप मोर का ही द्विवचन यानी मयूरों लिख सकते थे, जिसका उत्तर होता है 2 मोर। और तीसरा वचन होता है बहुवचन, जिन शब्दों से 3 या फिर 3 से अधिक वस्तुओं स्थानों या फिर व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें बहुवचन बोलते हैं। जैसे मोर का ही बहुवचन मयूरा हो जाएगा। दसवां प्रश्न पूछा गया था, बालकह शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। स्क्रीन पर आप बालक के रूप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपसे बालकह पूछा गया था, आप तृतीय विभक्ति बहुवचन में देखिए बालकह लिखा हुआ है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय विभक्ति और बहुवचन। 11वां प्रश्न पूछा गया था, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, नवनीतम का हिंदी में अर्थ होता है ताजा मक्खन। अब बात कर लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। पहला 12वां प्रश्न पूछा गया था, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। दा धातु का लट लकार यानी कि आपसे वर्तमान काल के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर आप देख सकते थे, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्द। इसका सही उत्तर होगा, यही आपको लिखना था। 13वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। और श्लोक आपको दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च
दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। दोस्तों ये गीता का एक श्लोक है जिसका अर्थ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। यहाँ पर संस्कृत शब्द दिए गए हैं और आपको इसका हिंदी में अर्थ लिखना था। पहला है शशकः, तो शशकः का हिंदी होता है खरगोश। दूसरा है द्राक्षाः, द्राक्षा को हिंदी में अंगूर बोलते हैं। और तीसरा है वृषभः यानी बैल। और चौथा है चिक्रोडः, तो गिलहरी को संस्कृत में चिक्रोडः बोलते हैं। तो शशकः का खरगोश, द्राक्षा का अंगूर, वृषभः का बैल और चिक्रोडः का गिलहरी। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। दोस्तों आप 1 से 10 तक की गिनती संस्कृत में देख पा रहे होंगे। 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9 और 10 को 10 बोलते हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में लिखिए। दोस्तों ये 2 नंबर का प्रश्न था और आपको विस्तृत रूप में आपको इसका उत्तर देना होगा। तो इसमें आप लिख सकते थे कि श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से संस्कृत में जो उच्चारण में बच्चों को परेशानी आती है उनका निराकरण किया जा सकता है, और दृश्य सामग्री के माध्यम से जो इसमें विसर्ग और हलंत वगैरह प्रयोग किए जाते हैं उसको शुद्ध रूप में देख करके बच्चे लिखना सीख सकते हैं संस्कृत विषय को। तो ये कुछ आप 1-2 पॉइंट और लिख सकते थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न पूछा गया है, तत्सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। स्क्रीन पर आप तत् धातु के स्त्रीलिंग के विभिन्न रूप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपसे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचन के बारे में पूछा गया है, यानी कि ऊपर से 2 लाइन आपको आंसर में लिखना था, सा ते ता ताम ते ताह, ये आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं। प्रतिदिन को आप प्रतिदिनम या फिर नित लिख सकते हैं। विद्यालय का विद्यालयम हो जाएगा और जाता हूँ। दोस्तों ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है तो पूरा हो जाएगा, अहम नित विद्यालयम गच्छति। जाने का गम धातु होता है और उसका आपको वर्तमान काल यानी लट लकार में उत्तम पुरुष में गच्छति हो जाएगा, तो अहम नित विद्यालयम गच्छति। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, तुम कहाँ रहते हो। तुम को संस्कृत में त्वम बोलते हैं, कहाँ का कुत्र हो जाएगा और रहते हो ये भी प्रेजेंट की बात की जा रही है तो आप इसको लिख सकते थे, त्वम कुत्र निवसति। बढ़ते हैं अगली तरफ। 3रा प्रश्न पूछा गया था, श्याम पैर से लंगड़ा है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, श्यामः पादेन खंज अस्ति। दोस्तों आपको ज्ञात होगा है का अस्ति होता है और लंगड़ा को संस्कृत में खंज बोलते हैं, खंजा। और यहाँ पर पैर के लिए पादेन वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कारक के अनुसार यहाँ पर पादेन सुटेबल वर्ड होगा। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं संस्कृत के लिए अलग से आपके लिए लेक्चर बना दूंगा। तो 3रे का उत्तर हो जाएगा, श्यामः पादेन खंजः अस्ति। 4था पूछा गया था, पेड़ से फल गिरते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वृक्षात फलानि पतंति। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस बना सकूं। और साथ ही साथ मैं एक बात फिर से आप लोग को कहना चाहूँगा कि संस्कृत में DLED में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, तो आप लोग इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें। और संस्कृत के शिक्षण में या फिर पढ़ने में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसके लिए अलग से आप लोगों के लिए
एक लेक्चर या फिर कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत विषय 8वीं तक ही बहुत लोग पढ़े होंगे, तो निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों को इसमें परेशानी होती है। तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोग के लिए संस्कृत को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।